Friends, there is some surprise for Raghav. And here is not a father's sister. From his behave, I am giving the card for Papa. From the Bua's behalf, I am giving one card. Hey everyone, good morning. Welcome back to my channel. तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली. और आज है सावन का पांचवा सोमवार, यानी कि आज है रक्षाबंधन. और आज बहुत लोगों का फास्ट भी है जो सावन का फास्ट रहते हैं ना, जैसे कि मेरा खुद आज फास्ट है और आज फेस्टिवल भी है. अच्छे अच्छे खाने तो हम बनाएंगे, मतलब अच्छा अच्छा जो डिश है रक्षाबंधन में फेस्टिवल के उपलक्ष्य में, वो डिश तो हम ज़रूर बनाएंगे. बट लेकिन हम खा नहीं सकते क्योंकि मेरा फास्ट है. मैंने पूरी श्रद्धा के साथ सावन भर फास्ट रखा है भोलेनाथ जी का. अभी आज लास्ट है तो भाई खाने के चक्कर में फास्ट को थोड़ी ना छोड़ सकते हैं. तो बस आप लोगों के यहाँ आज राखी बांधने का क्या शुभ मुहूर्त है? हमारे यहाँ पर तो 1:30 बजे है, 1:30 बजे के बाद आप बांध सकते हो. आपके यहाँ किस टाइम पर है वो सब आप मुझे बताइएगा. तो बस अभी चलते हैं. पूजा पाठ हो गया, नहाना धोना सब हो गया, थोड़ा बहुत सा रेडी है. बाकी रेडी तो फिर जब राखी वगैरह बंधेगी वो प्रोग्राम होगा तब होगा. और अभी लंच प्रिपेयर करना है, नाश्ता प्रिपेयर करना है, सारी चीज़ें करना है. तो बस अभी आपसे मिलते हैं और फिर वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली. तो बस रक्षाबंधन थाली स्पेशल रेडी किया है मैंने. फुली फुली पूड़ियाँ सी हैं, पनीर भुज्जी है, साथ में जीरा राइस और एकदम मेवे से भरपूर वाली खीर बनाई है तस्मई टाइप की, एकदम गाढ़ी गाढ़ी मलाई मार कर. और अभी सब ना काम चल ही रहा था तो क्लीनिंग हुई नहीं. टाइम हो गया है राखी बांधने का, मुहूर्त जो है ना वो करीब आने वाला है. राखी की थाली जो है वो डेकोरेट होगी, मतलब कि उसमें सामान रखे जाएंगे, फिर उसके बाद राखी बांधने का प्रोसेस होगा. सिद्धि और राघव वही बैठ करके कर रहे हैं लंच और बस यही सब है. तो थाली प्रिपेयर करते हैं. तो गाइस बहुत दिनों के बाद आप मेरे कृष्ण कन्हैया जी के दर्शन कर रहे होंगे. तो देखो पहली राखी तो इन्हीं को बनती है भाई, यही पालनहार है, यही हमारे तारणहार है, यही सुरक्षा करते हैं. तो पहली राखी बांधी गई कान्हा जी को और फिर उसके बाद ना प्रॉपर इनको भोग लगाया गया, लड्डू खिलाया गया. दो तीन तरह की मिठाइयाँ आई थी, ऑनलाइन ही मंगाया था, बारिश हो रही थी, शॉप पे जा नहीं पाए तो ऑनलाइन में ही जो समझ में आया ना वो मंगाया. तो सारी चीज़ों का भोग लगाया, भगवान जी को राखी बांधी और ये प्रे की कि हम सभी की रक्षा करें. और ये हमारी ना थाली प्रिपेयर है, हमारी राखी थाली जिसमें तीन राखियाँ हैं. ये है हस्बैंड की सिस्टर का, यानी हस्बैंड को बांधना है. और ये है राघव की बड़ी सिस्टर यानी सिद्धि. और ये है राघव की छोटी सिद्धि, मतलब छोटी सिस्टर यानी कि रिद्धि. तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिद्धि निभाएंगी क्योंकि ना तो बुआ यहाँ है ना तो छोटी सिस्टर यहाँ पर है. राघव को और पापा को दोनों लोग को राखी बांधेंगी सिद्धि, बुआ के बिहाफ में भी और रिद्धि के बिहाफ में भी. चलो राघव सीधे बैठो. राखी भेजी है रिद्धि ने. तो राघव ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खूब निभाई है. रिद्धि के लिए भी इसने एक क्या ऑर्डर किया राघव, राखी का गिफ्ट. रिद्धि जैसे डांस करे, दिखाओ राघव इधर, दिखाओ राखी, दिखाओ अपने दो दो राखी, दिखाओ 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 दिखाओ. जो है बुआ के बिहाफ में बुआ वाली राखी जो है वो पापा को बांधेगी. Thank you.
दीदी का, बड़ी दीदी का जो गिफ्ट है वो ऑन द वे है राघव ना, एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया, सरप्राइज थोड़ा बाद में आएगा। तो अब कुछ और स्पेशल खुलने वाला है राघव के लिए। थैंक यू बोल दो राघव। थैंक यू। एंड ये पापा हुआ कि बिहार में मैंने पापा को दिया है कार्ड। चलो सब अभी रक्षाबंधन। तो ये बुआ के बिहाफ में बनाया है, सिद्धि ने बनाया है, बुआ की तरफ से है ये, और ये राघव ने। तो ये मटका मक्खन, देखो पापा की पहले देख ले कार्ड, ये सारी चीजें, ये सब समझ लो बुआ ने बनाया है। और राघव के पॉकेट से कुछ सरप्राइज निकल रहा है दीदी के लिए। आ आ आ आ चलो दोनों लोग एक दूसरे को थैंक यू बोल दो। राघव को सिल्क मिली है, ओहो। और दीदी को ये क्या है राघव का, ओ हार्ट बना है। हैप्पी रक्षाबंधन ब्रदर, यू आर अ लवली ब्रदर एंड लिव 100 ईयर एंड टेक केयर ऑफ यू। ओ माय गॉड, भले सिद्धि लड़ती हो लेकिन देखो कार्ड में पूरा प्यार झलक के आ गया है ना राघव। दीदी प्यार करती है ना, फिर आज से लड़ाई बंद, प्रॉमिस कर लो रक्षाबंधन पर। आज से लड़ाई इन लोगों की बंद हो गई, इसकी थोड़ी आग पिघल गई है। देखो ये दोनों लोग राखी बांधने बंधवाने के बाद दोनों लोग बहुत ही ज्यादा हैप्पी नजर आ रहे हैं। और ये है मेरा लूम्बा यानी कि भाभी का लूम्बा। तो बस राखी का पूरा सेशन हो गया और सब फिर अपने फेवरेट कामों में जुट गए हैं। तो आप सभी का रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट हुआ मेरे साथ शेयर करिएगा। बहुत से ऐसे भाई और बहन हैं जो दूर दूर रहते हैं, यहाँ तक कि हमारे सेना के जवान को ही ले लीजिए जो बहुत दूर रहते हैं, उनके भाई दूर रहते हैं, उनकी बहनें दूर रहती हैं। तो सोचिए उन सभी लोगों को विश यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज के लिए इतना ही।